सुशांत सिंह राजपूत ही रहेंगे पवित्र रिश्ता के असली मानव। एक्टर सही शेख ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताई पवित्र रिश्ता 2 साइन करने की वजह। एक्टर सहीर शेख ने सुशांत सिंह राजपूत के निभाए गए मानव के किरदार के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। जल्द ही OTT पे लॉन्च होने जा रहे पवित्र रिश्ता 2 में एक बार फिर अंकिता लोखंडे अर्चना की भूमिका निभाएंगी और उषा नाटकर्णी मानव की माँ सविता के रूप में नजर आएंगी। जब से इस शो का फर्स्ट लुक सामने आया है तब से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफ़ी नाराज़ हैं और लगातार अंकिता लोखंडे और सहीर शेख को ट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच मानव का किरदार निभाने वाले एक्टर सहीर शेख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक बड़ा सा पोस्ट लिखते हुए उनके दिल की बात फैंस के सामने रखी है। सहीर ने लिखा कि जब उन्हें एकता कपूर के सुपरहिट शो पवित्र रिश्ता 2 में मानव का किरदार ऑफर हुआ तो वो शॉक हो रह गए थे। उन्हें उस वक्त लगा कि कोई भी एक्टर जो अपने होशो हवाज में है वो सुशांत सिंह राजपूत के निभाए गए इस किरदार को करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो भी ये किरदार निभाने के लिए राज़ी नहीं हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि सुशांत को हर चुनौती से डटकर मुकाबला करने के लिए जाना जाता था। इसीलिए शहीर ने यह फैसला लिया कि वो सुशांत के नक्शे कदमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ये सोचकर सहीर शेख ने भी वैसा ही किया जो उन्हें लगा कि इस तरह की सिचुएशन में सुशांत सिंह करते। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जब पवित्र रिश्ता की टीम ने उन्हें बताया कि वो इस किरदार के लिए एक ऐसे एक्टर चाहते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करे, क्योंकि पवित्र रिश्ता की ये टीम एक ऐसी कहानी दर्शकों को बताना चाहती है जो सुशांत सिंह के लिए एक यादगार ट्रिब्यूट रहे। टीम की ये बात सुनकर शहीर ने तय कर लिया था कि वो इस किरदार को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फिर इसे किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा ये उन्होंने ऑडियंस और ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। अपनी इस पोस्ट में शहीर ने पवित्र रिश्ता की पूरी टीम की भी तारीफ की है। शहीर ने लिखा कि वो एक ऐसी टीम के साथ काम करने जा रहे हैं जो सुशांत से बेहद प्यार करती है और उनको सम्मान देती है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी शहीर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सुशांत, आप हमेशा मानव रहेंगे। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। हो सकता है कि मैं आपके जितना अच्छा न निभा पाऊँ, या फिर हो सकता है कि मैं आपके जैसे इस किरदार को जस्टिस न दे पाऊँ, लेकिन मैं इस किरदार को निभाने के लिए अपना 100% देने का वादा करता हूँ। तो क्या रिएक्शन है आपका सहीर शेख की इस इमोशनल पोस्ट पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टेलीविज़न की ऐसी ही सारी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।